दुर्ग जामा मस्जिद सदर के लिए खड़े 5 उम्मीदवारों के लिए मानस भवन दुर्ग में किया गया मतदान। 3,275 मतदाताओं के मतों से चुना जाएगा सदर। दोपहर तक 50% लोगों ने किया मतदान। दुर्ग शहर की जामा मस्जिद के लिए सदर चुनने आम चुनाव किया जा रहा है, जिसके चलते पूरी चुनाव प्रक्रिया अपनाते हुए शासन द्वारा बनाई गई चुनाव टीम के द्वारा सभी तरह की प्रक्रिया पूर्ण की गई। इसी कड़ी में जामा मस्जिद सदर पद के लिए कुल 5 प्रत्याशियों ने नामांकन फॉर्म जमा किया था और अपना पक्ष रखा था, तो वहीं चुनाव अधिकारी नियुक्त हुए नौशाद खान ने चुनाव से संबंधित प्रक्रिया को अपनाते हुए शहर के सभी 60 वार्डों को 4 बूथ बनाकर 3,275 मतदाताओं के लिए कक्ष बनवाया। गौरतलब है कि माह भर से चल रहे इस चुनावी माहौल में पहले 7 जून को मतदाता सूची में नाम जोड़ने के साथ प्रत्याशियों के लिए अंतिम तिथि नामांकन फॉर्म जमा किया गया, वहीं 8 जून को चुनाव चिन्ह आवंटन किया गया, साथ ही 9 जून को प्रत्याशियों को मतदाता सूची वितरण किया गया। यहां हम आपको बता दें कि जामा मस्जिद सदर पद के लिए किए जा रहे चुनाव में रविवार को दुर्ग के मानस भवन में मुस्लिम समाज के लोग काफी संख्या में उत्साहित नजर आए। लोग सुबह से ही मतदान केंद्र पहुंचकर अपना वोट देते नजर आए। इसी कड़ी में चुनाव अधिकारी नौशाद खान ने बताया कि मतदान केंद्रों में 15 लोगों की अलग टीम बनाकर मतदान को संपन्न कराया जा रहा है, साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन द्वारा मतदान केंद्रों में तैनाती की गई है। वह चुनाव की गिनती और रिजल्ट देर शाम तक घोषित होने की बातें उन्होंने कही। इस संबंध में न्यूज टीम को चुनाव अधिकारी नौशाद खान ने अपनी प्रतिक्रिया दी। 5 प्रत्याशी पांचों को आवंटन हो गया है, उनके चुनाव चिन्ह का आवंटन हो गया है और उनको पूरा डिटेल समझा दिया गया है और मतदाता सूची जो बनी है 3,085 की बनी है अभी, तो वो भी उनको एक एक प्रति दे दी गई। जैसे चुनाव होता है वैसे ही है, 4 बूथ बनाए गए हैं और चारों बूथ में वार्ड वाइज 4 बूथ को डिवाइड कर दिया गया है। पूरे शहर 60 वार्ड को पूरे 4 बूथ में डिवाइड कर दिया गया है। 4 बूथ में चुनाव होंगे, अलग अलग चारों में बूथों में पेटियां रहेंगी और जो आधार कार्ड और नाम जो वोटर लिस्ट है बूथ वाइज वो भी अरेंज हो गई है, उसमें टिक करके उनको चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। मतदाता सूची में जो नाम पुराने ऐड थे तो उसमें अगर वो छूट गए हैं किसी वजह से, कंप्यूटर का जो टंकन त्रुटि है उसको सुधार कर दिया जाए, बाकी नाम जुड़वाने की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। जिस तरह से दुर्ग शहर जामा मस्जिद के सदर बनने के बाद अपनी सेवा देने के उद्देश्य से 5 प्रत्याशियों ने अपनी दावेदारी की है, जिनका फैसला आज शाम तक हो भी जाना है। अब देखना होगा कि मस्जिद की खिदमत के लिए 3,275 मतदाता किसे अपना सदर चुनते हैं। ग्रैनी सीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।